वे आर ऑल एक्सट्रीमली 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 रिस्पॉन्डेंट तरह से इन्होंने इतनी डिग्निटी से हमको बोला कि वी ट्राइड डर बेस्ट बट वी आर शटिंग डाउन मतलब ऐसा फील आया कि ये क्या बंदा है मतलब गॉड्स ग्रेट मैन सो so, uh, मैं मिलूँगी आपको सोनू सूद की फतेह में जो ये साल आएगी एंड uh, धर्मा प्रोडक्शंस की जिगरा जिसमें आलिया भट्ट हैं uh, ये दोनों फिल्म में तो मैं पक्का दिखूँगी और, और कहीं भी जल्दी दिखूँगी तो हूँ Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. We are all extremely, extremely, extremely despondent. We are very sad. We are all had a tough three weeks actually. जब से हमको पता चला कि we are we going off air in three weeks. Three weeks हम सबके लिए बहुत heart wrenching रहे हैं, because हम सबको एक दूसरे से, इस set से, इस कहानी से, हर character से, हर किरदार से, हर जानवर से हर पौधे से प्यार हो गया यहाँ के तो हमारे लिए बहुत बहुत टफ गुड बाय है ये बहुत मुश्किल हो रहा है सबको एक दूसरे से बाय बोलने का और सब एक दूसरे को संभालते हैं रोज़ कोई ना कोई ब्रेकडाउन होता है और कोई ना कोई संभाल लेता है ऐसा नहीं कि काम नहीं करेंगे हम बहुत काम करेंगे ज़िंदगी में हम सब आई मीन दिस इज़ अ होल पावर हाउस ऑफ टैलेंट ऑन दिस शो आप देखिए राजन जी ने ऐसे एक एक किरदार चुने हैं एक एक कैरेक्टर इतना फिट है इतना टैलेंटेड है मतलब तो काम तो सारे करेंगे पर पता नहीं ये वाली एनर्जी ये वाली टीम ये ये वाला प्यार फिर कैसे मिलेगा दिस वॉज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एप्सोल्यूटलीटली आई थिंक हम लोग हम सब नहीं आई थिंक जब हमने सुना तभी हम सब घर जाके बहुत रोए पिटे बहुत बहुत ज़्यादा और आज तो हम ग्रुप पे मतलब मैं मैंने तो ये मैसेज किया था मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है बिकॉज यू नो यू कम विद दिस थिंग दैट यू आर नॉट कम बैक इट्स अ वेरी बैड फीलिंग वेरी बैड फीलिंग दिल में ऐसा दर्द हो रहा है हम ला रहे एंड क्या है पहली बार एक ऐसा प्रोड्यूसर मिला जिसने एक एक एक्टर को मैसेज किया कि मुझे बात करनी है और हमको सबसे पहले इन्फॉर्म किया इससे पहले कि हमको कहीं बाहर से खबर आए जो हमेशा अक्सर शोज़ में होता है कि एक चाइनीज़ विस्पस में लोग बोलने लगते हैं कि यार बंद होने वाला यार बंद होने वाला यार <laughs> यहाँ इतना डिग्निफाइड बंदा बाप रे जिस तरह से इन्होंने बोला तरह से इन्होंने इतनी डिग्निटी से हमको बोला कि वी ट्राइड अर बेस्ट बट वी आर शटिंग डाउन मतलब ऐसा फील आया कि क्या बंदा है मतलब गॉड्स ग्रेट मैन सो इवन दो वी आर ऑल एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉरोफुल

या yeah, मतलब इफ़ यू यू आर आर एन एनिमल लवर माय फ्रेंड हैप्पी हम तो हमेशा हैप्पी है, 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 है। हम रहते थे ऑफ ऑफ स्क्रीन स्क्रीन हम हैप्पी हैप्पी रहते थे हंसना साथ में खाना खाना साथ में हम बाहर भी गए हुए हैं ऑफ सेट भी मिले हुए हैं एंड uh, मतलब हमारा uh, हम रील्स बनाते रहते हैं बिहाइंड द स्क्रीन कोई जो एक्टर फ्री है उसके साथ रील्स बनाना चालू ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसके साथ बनाऊंगी या उसके साथ बनाऊंगी सब एक दूसरे के साथ क्या आ जा आ रील बना हमारे

मेरे को एक्चुअली जब मैं शो में आई तब मैंने ये लुक पहली बार ट्राई किया अंदर गॉट टू नो द पीपल आर ऑब्सेस्ड विद कर्ली हेयर तभी तक मेरे को पता नहीं था एंड वो होता है ना जो अपने पास होता है उसकी हमें कदर नहीं होती है तो मेरा वैसे कुछ था कि मेरे पास इतने अच्छे बाल थे मुझे पता नहीं था बट नाउ आई रियलाइज दैट इट्स एन या आई थिंक इट कम्स आउट ऑफ कि मैं ऑलरेडी महाराष्ट्र हूँ सो ये मेरा कम्फर्ट एरिया है तो सारी फिर ये जो पूरा महाराष्ट्रियन लुक है सो आई डि नॉट हैव टू रियली गो आउट ऑफ द प्लेस मतलब डायलॉग्स में भी और यू uh, नो you know, लुक में भी बट येस uh, yes, ये म, मैं एक्चुअली मुझे महाराष्ट्रियन लुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है इवन दो यू आई एम अ महाराष्ट्रियन कभी कभी ऐसे होता है ना हम पक जाते हैं कि यार ये यही करना है बट आई लव इट आई लव इट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट एंड आई थिंक दैट वो आई थिंक दिखता है और वो आई थिंक uh, लोगों को पसंद आता है दैट्स बिकॉज आई लव इट सो मैं मिलूंगी आपको सोनू सूद की फतेह में जो ये साल आएगी एंड uh, धर्मा प्रोडक्शंस की जिगरा जिसमें आलिया भट्ट हैं uh, ये दोनों फिल्म्स में तो मैं पक्का दिखूंगी और और कहीं भी जल्दी दिखूंगी डो वाए कीप वॉचिंग यस एंड कीप वॉचिंग एंड फॉलोइंग एज ऑन आर सोशल मीडिया अकाउंट्स ताकि हमेशा आप अपडेट रहें yes. कि हम अगला क्या कार्यक्रम करने वाले हैं आपको अगर कहीं भी क्वेश्चन लगे कि हम कहाँ दिखेंगे तो कहीं कुत्ते बिल्ली या कहीं चनावर के पास देख लेना के पास जाएंगे आप अभी और मैं तो पाई जाएंगे थैंक यू सो मच थैंक यू